आपने एक ट्वीट किया, आपने एक पोस्ट किया कि कैसे सनातन का श्राप ले डूबा है, और वही खबर भी मैं आपको बता रही हूँ अपने दर्शकों को, और उसी खबर से मैं आपके पास आ भी रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आचार्य जी कि ये आपका श्राप है जो पार्टी को लग गया है। देखिए सुचारिता जी, किसका श्राप लगा, किसको लगा, क्यों लगा, कब लगा, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जिससे उम्मीद थी देश की जनता को कि वो एक अच्छे स्वस्थ और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन पिछले 11-12 सालों से, जब से कांग्रेस पार्टी की कमान आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ में आई है, राहुल गांधी जी और उनकी टीम फैसला लेना शुरू जब से उन्होंने किया है, तब से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और सच बात यह है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी रही हों, राहुल जी रहे हों, खड़गे जी रहे हों या फिर सोनिया जी, लेकिन फैसले राहुल जी के हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, कांग्रेस को लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो भी एक दो लोग नहीं, दर्जनों लोग, अशोक चव्हाण, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, अर्पण सिंह, अशोक तंवर है ना, संजय निरुपम, गौरव बल्लभ, ये सारे के सारे वो लोग हैं, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया और राहुल जी के साथ काम किया। ये सब अगर छोड़ रहे हैं तो सब तो ये नहीं कह सकते ना कि इन सबको ईडी का डर था, सीबीआई का डर था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई। महात्मा गांधी का रास्ता क्या था? महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसका नारा होता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो पार्टी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाती थी, आज वो भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई है। जो पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता हमारे आदर्श, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम से अपनी सभा की शुरुआत करते थे, वो पार्टी राम के खिलाफ बात करती है, सनातन को मिटाने की बात करती है, हिंदुत्व का विरोध करती है। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार करके कांग्रेस में रहेगा? तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की बुनियादी समस्या जो है वो कहीं और नहीं है, कांग्रेस के भीतर है, और कांग्रेस की असली प्रॉब्लम राहुल जी हैं। राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस को अब कोई नहीं बचा सकता है, और राहुल गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता है। आपने जो बात बोली है आचार्य जी, ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण राहुल गांधी है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह नेता छोड़ रहे हैं, आज जिस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल रणदीप सुरजेवाला ने भी किया, इससे पहले कंगना के लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये क्या एक ऐसे कुछ नेता है जो हावी हो चुके हैं, जिनकी बात चल रही है वो कुछ भी बोलेंगे और उसके साथ कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी, बाकी अच्छा काम करने वाले नेताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, इसीलिए वो पार्टी छोड़ेंगे और क्या करेंगे? देखिए सुचरिता, ये मैं आपको बताता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स, नफा नुकसान, सियासत अपनी जगह है, लेकिन भारत वो देश है जहां नारियों की पूजा होती है, त्रिनारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बयान है, इसे सुनकर के अभी तक राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने रणदीप सुरजेवाला को बाहर क्यों नहीं निकाला? उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये एक नारी जाति का सम्मान नहीं है, भारत की संस्कृति का अपमान है। ये उनका केवल एक व्यक्ति, एक महिला का अपमान नहीं। क्या हेमा मालिनी अगर दूसरी पार्टी की नेता हैं तो उनके गालों का उदाहरण दिया जाएगा? चाटना वाटना, ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? मुझे तो शर्म आ रही है कि ऐसे नेता कांग्रेस, ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, इंदिरा गांधी, ये उनकी कांग्रेस है? ये राजीव गांधी की कांग्रेस है? ये कांग्रेस आ कहां गई है? तो कांग्रेस के पतन का कारण
बाहर नहीं है। एक सवाल खड़ा करता हूं, कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार बाहर ढूंढ रहे हैं हम? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, या नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं, या गडकरी जिम्मेदार हैं, या अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं? अरे भाई, कांग्रेस के नेताओं को ही तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कांग्रेस के फैसले कौन कर रहा? राहुल गांधी। तो कांग्रेस अगर बर्बाद हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। दूसरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कोर कमेटी के मेंबर है। मैं तो अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी ने अभी तक रणदीप सुरजेवाला जी से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम किसी औरत का अपमान कैसे कर सकते हो, किसी महिला का अपमान कैसे कर सकते हो, किसी महिला को इस तरह की महिला पर किसी इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली और बात सिर्फ ये नहीं है आचार्य जी, आप एक और चीज है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी हार की स्क्रिप्ट क्या खुद लिख रही है, उसमें इतने नेता छोड़ रहे हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं, उनकी उनके बारे में ना सोचना है, भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, अब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मुझे दे दीजिए टिकट, मुझे दामाद देखना चाहते हैं वहां से, सब मुझे वहां से सब लोग सांसद देखना चाहते हैं, माफ कीजिए। तो ये तस्वीर आ रही है, राहुल गांधी तो भाग गए, वो तो वायनाड चले गए। देखिए, मैं ये कहूं कि राहुल गांधी जी भाग गए, राहुल गांधी जी का फैसला है कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना है या कहां से लड़ना है, उनका फैसला। रॉबर्ट वाड्रा भी भारत के नागरिक है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल परिवार के हिस्सा है उन पर। अगर अमेठी को हम गांधी परिवार की सीट मानते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा भी उस परिवार के हिस्सा है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है कि राजनीति में एक शुचिता, राजनीति के अंदर एक गरिमा मर्यादा वो होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है, मैं इसकी निंदा करना बहुत छोटा शब्द समझता हूँ। रणदीप सुरजेवाला जी को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला जी को पूरी देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो नीचता की पराकाष्ठा है। रणदीप सुरजेवाला जी ने पूरी नारी जाति का अपमान किया। रणदीप सुरजेवाला जी ने इस कांग्रेस पार्टी को पूरा कलंकित कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला जी को किसी भी कीमत पर माफी नहीं है, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। खड़गे जी को एक्शन लेना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तब देश में मैसेज जाएगा। क्या हम किसी दूसरी पार्टी की महिला के गालों के ऊपर बात करेंगे? किस तरह के भद्दे शब्दों का प्रयोग पब्लिकली भाषण में? अफसोस इसको पार्टी आप, के आचार्य जी आप तो पार्टी को अंदर से जानते रहे हैं, और इसीलिए आज आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या पार्टी को आचार्य प्रमोद कृष्णम खत्म कर रहे हैं या बाकी नेता कर रहे हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कोई पार्टी को कोई नेता चला रहा है और वो पार्टी ऊपर बढ़ती जा रही है तो उसका श्रेय भी तो उस नेता को दिया जाता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है, कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? मैं जिम्मेदार हूं। मैंने तो एक साल पहले जो बात कही थी, मैंने कहा था भाई आप राम का विरोध मत करो, सनातन को मिटाने वालों का साथ मत दो, आप भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू धर्म, इससे आप मत चिढ़ो। देश के अंदर ये मैसेज जा रहा है। और ये बात मैंने नहीं कही, एंटोनी कमेटी बनी थी, एंटोनी साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो परसेप्शन है वो ये बन गया है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है।